सागर पर सेतु बांधने की कथा के विषय में तो आपने सुना ही होगा। श्री राम की सेना को 100 योजनों के समुद्र को पार करके लंका पर आक्रमण करना था। वास्तुका, नल और नील ने सेतु बांधने का उपाय सोचा, किंतु अब सेतु बांधा कैसे जाए? समुद्र इतना गहरा है, इतने पत्थर डाले जाए कि पार करने लायक स्थान हम समुद्र से ले सके। तब किया गया एक का पत्थरों पर लिखा गया राम का नाम, और जब इन पत्थरों को सागर में फेंका गया तब वो तैरने लगे। अब कोई कहेगा ये राम के नाम की महिमा, कोई कहेगा ये नारायण का कोई चमत्कार, किंतु नहीं, ये राम का वो गुण, उनके व्यक्तित्व की वो महानता है जिसने उनका प्रतिनिधित्व किया। कि पत्थर भी सागर में तैरने लगे, उसी प्रकार जहां हम नहीं होते वहां हमारे गुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे नाम की शक्ति हम स्वयं बनाते हैं अपने कर्मों से, अपने गुणों से। अब चयन आपका है, आपके नाम के सहारे कोई विपदा से बाहर निकल आता है या आपके अपयश के दुष्कर्मों से कोई डूब जाता है। अच्छे से चयन कीजिए। राधे राधे।